जैसे हमारे टोटल अभी तक 10,000 प्लस यात्री रेस्क्यू किए जा चुके हैं। जैसे आज भी लगभग 550 हेली रेस्क्यू हैं और लगभग 350 पैदल मार्ग के बाद रेस्क्यू हैं। अब इसके साथ साथ में अब हर जगह पे कॉम्बिंग की जा रही है SDRF NDRF TDRF की टीम के साथ में, हर एरियाज़ में टीम जा रही है, वो ये देख रही है कि कहीं पर कोई पिलग्रिम है तो नहीं। साथ ही साथ में आज ये भी प्रयास किया गया कि जो हमारा सोनप्रयाग का रास्ता जो टूट गया है वहाँ पर आर्मी की सपोर्ट लिया गया और उस पर एक पैदल एक पुलिया का निर्माण किया गया है, जिससे कि कोई भी अगर सामान हमें इस पार से उस पार भेजना है उसको हम अविलंब भेज सकें। साथ ही साथ में कोई अगर बहुत ही बुजुर्ग या कोई कोई चोटिल इधर आ जाए तो उसको भी हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकें, जब तक कि मूल काम वहाँ पे स्टार्ट हम लोग न कर पाए। तो यही तो है देवभूमि की अतिथि देवो भवा की संस्कृति। केदारनाथ क्षेत्र में चल रही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन को स्थानीय लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। ग्राम प्रधान श्री मुलायम सिंह तिंदौरी जी, सोनप्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अंकित गैरोल जी, श्री धर्मेश नौटियाल जी जो कि शेषी से हैं, श्री दीर्घायु गोस्वामी जी, पूर्व प्रधानगढ़ समस्त ग्रामवासी, घोड़ा खच्चर संचालक BKTC के पदाधिकारी एवं सदस्य, तीर्थ पुरोहित समाज GMBN के कर्मचारीगण और साथ ही बढ़ चढ़ कर जो स्थानीय प्रशासन है वो भी इसमें हिस्सा ले रहा है। बचाव कार्य लगातार यहाँ पर चल रहा है और आप सभी लोगों के अथक प्रयास का ही परिणाम है कि अतिवृष्टि की वजह से यहाँ पर होने वाले बड़े नुकसान को रोका जा सके। यानी तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनका सहयोग किया जा रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन है और भी आसान हुआ है। आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार है और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस बीच पुष्कर सिंह धामी ने जो ट्वीट किया था वो भी हमने आपको पढ़कर दिखाया, यानी स्थानीय लोगों का उन्होंने धन्यवाद दिया है, गहराइयों से उन्होंने धन्यवाद दिया है क्योंकि उनकी वजह से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आसान हो पाया। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। तुषार, देखिए आज आखिरी दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का, बताया जा रहा है कि 300 लोग कुछ फंसे हुए, उन्हें निकाला जाना बाकी है, क्या कुछ आगे जानकारी, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो पाएगा? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज पांचवा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का और लगातार जो टीमें लगी हुई है, चाहे वो NDRF हो, SDRF हो, सेना के लोग हों या फिर जो जिला प्रशासन है, प्रशासन के साथ साथ जो वहाँ पर सामाजिक संगठन वहाँ पर मौजूद है, लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो लोग हैं उनको निकाला जाए। सबसे बड़ा फैक्टर इन 5 दिनों में ये देखने को मिला, जो मौसम है वो अत्यधिक ख़राब नहीं रहा, जिसके कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चलता रहा। और अगर बात की जाए अब तक 9 बजे तक की, क्योंकि MI-17 और साथ साथ जो चीनी हेलीकॉप्टर था उसे मौसम थोड़ी बरसात ऊपर को देखने को मिल रही थी, जिसके कारण जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो फ्लाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सुबह जो मौसम साफ रहा है, 9 बजे तक ये माना जा रहा है कि 133 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत निकाल लिया गया है, उन्हें जो चारधाम हेलीपैड है वहाँ तक पहुँचा दिया गया है और साथ साथ जो चीनी हेलीकॉप्टर है उसे दूसरे हेलीपैड में पहुँचाया गया। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो भीमबली है वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, गौरीकुंड से सभी लोग निकाल लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कि जो ये 5 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है कि जो स्थानीय लोग थे, चाहे वो उसमें ग्राम प्रधान हो या फिर घोड़े कच्छर के जो कर्मचारी हैं, साथ साथ GNV के कर्मचारी हैं, जो संत समाज वहाँ पर ऊपर रहता है, उन्होंने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार की मदद करी। और जब लोग नीचे उतरे तो कहीं ना कहीं उन्होंने राज्य सरकार का धन्यवाद किया कि हर संभव जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, हर संभव जो उन्हें मूलभूत सुविधा है वो उस दौरान दी जा रही थी। और कहीं ना कहीं जो सेना की लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो स्थाई पुल है, अस्थाई पुल है वो वहाँ पर बनाए जा रहे हैं ताकि जो रास्ता है उसे आसानी से खोला जाए, जो ऊपर लोग फंसे हैं उन्हें पैदल के माध्यम से भी लाया जाए। सबसे बड़ा रोल इसमें साफ तौर पर SDRF का देखने को मिला, जिसमें पहले दिन से ही जो SDRF है वो लगातार लोगों को रेस्क्यू करती हुई नजर आई। 10,000 से अधिक जो लोग हैं, जो यात्री वहाँ पर पहुँचे थे, साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको नीचे लाया जा चुका है। माना जा रहा है अगर इसी तरह का मौसम रहा तो आज शाम तक सभी जो यात्री हैं, जो स्थानीय लोग भीमबली में फंसे हुए हैं, उन्हें वहां से रेस्क्यू करके नीचे ला दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इसे मान सकते हैं। अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें दिन भी चल रहा है, कहीं ना कहीं जो 300 लोग फंसे हैं भीमबली में उन्हें अब नीचे लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही रहेगी प्रशासन की कि जल्द से जल्द उन्हें लाया जाए और जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे खत्म किया जाए। साथ साथ जब रास्ता रिस्टोर, क्योंकि 9 जगहों से ये बताया जा रहा था कि लैंडस्लाइड के कारण पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक हो चुका है और जो सड़कें हैं वो टूट चुकी,
चुकी है, तो ऐसे में उन्हें रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी और जो केदारनाथ यात्रा है उसे दोबारा से सुचारू रूप से यहाँ पर किया जाएगा। और इसके लिए जो सेना है वो वहाँ पर लग चुकी है, जो BRO है वो वहाँ पर लग चुकी है, और जो अस्थायी पुल है वो उन रस्तों को फिलहाल जोड़ने के लिए बनाई जा रही है ताकि जो यात्रा है उसे हम जल्द से जल्द सुचारू कर सके। जी पर पोस्ट कर धन्यवाद दिया गया है तमाम स्थानीय लोगों का, जिनकी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन और भी ज्यादा आसान हो सका। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले दिन से ही मॉनिटरिंग लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कर रहे थे और वो मौके में पहुंचकर उन्होंने स्थिति का जायज़ा भी लिया, जो लोग थे उनसे वार्ता करी जो फंसे हुए थे कि आपको हर संभव मदद यहां पर दी जाए, और प्रशासन को भी साफ तौर पर यहां पर निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त किया जाए, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित जगह लाया जाए। और इसके तहत उन्होंने एक्स जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, वहाँ पर पोस्ट करते हुए जब सभी जो ग्राम प्रधान हैं, GMVN के जो कर्मचारी हैं और साथ साथ जो BKTC के जो सदस्य हैं और इसके साथ साथ जो पंडा पुरोहित वहाँ पर रहते हैं, सभी ने, चाहे वो दुकानदार हों या फिर कहा जा सकता है जो घोड़ा खच्चर के संचालक हों, उन्होंने जो बाहर से यात्री आए थे उनकी सहायता करते हुए नज़र आए। कहीं ना कहीं जो बाहर के यात्री हैं वो घबराए हुए नज़र आ रहे थे, उस दौरान जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनकी मदद करते हुए नज़र आए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी इसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रसन्न नज़र आए, जिस तरह से अतिथि देवो भव उत्तराखंड की जो मोटो है कि जिस तरह से पर्यटन स्थल है और में जो यहाँ पर अतिथि आता है उसकी यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने का जो संकल्प लिया गया है उसके तहत हम कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत सभी जो समाज का वर्ग है, सामाजिक संगठन है, वो भी आगे बढ़ते हुए नजर आए, लोगों की मदद करते हुए नजर आए, और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका धन्यवाद किया है। और इसी के तहत धन्यवाद करते हुए जो एक्सपर्ट पोस्ट है वो भी टीवी स्क्रीन पर हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज आखिरी दिन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का, लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था कई दिनों से, और 300 लोग जो और फंसे उनको निकालने का सिलसिला जो लगातार जारी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तुषार हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।